إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على أمينه وسفيره وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته النبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وتخرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين مولا حسين عليه السلام کی بارگاہ سے توسل بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور بار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بر محمد وآل محمد خداوند قدیم الاحسان کا یہ احسان ہے اس قوم پر کہ وہ ہر سال محرم کا فرش عزا بچھا کر یزیدیت کو ذلیل کر دیتی ہے یہ افتخار اس قوم کو حاصل ہے
कि जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू हुआ हुसैनियों ने फर्श अज़ा बिछा दिया, और इतना ज़रूर है कि ये बात बाज़ लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही होती है, जिसका एक मज़हर हमने आज एक अफसोसनाक वाक़े की सूरत में देखा है। एक मासूम बच्ची की शहादत भी वाक़े हुई है। परवरदिगार आलम मखदूमा आलमियान के सदक़े में उस बच्ची के माँ बाप को सब्र जमील इनायत फरमाए। हर हुसैनी की, चाहे उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, वो शिया हो या सुन्नी हो, अगर हुसैनी है तो उसकी जान व माल इज्जत व नामूस की हिफाजत फरमाए। जालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमाए, उनके चेहरों को बेनकाब फरमाए, और जुल्म के इख्तिताम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। मौला इमाम अस्र व ज़मां के ज़ुहूर में ताजील के लिए उनके लश्कर में कोई खातिम, कोई नौकर, किसी तरह की खिदमत अंजाम दे सकें, इस तौफीक को हासिल करने के लिए सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस चुभन और तकलीफ की वजूहात बहुत सी हैं, और उसमें से एक वजह यह है कि खुद कुरान करीम पे गौर फरमाइए। देखें, एक हदीस जो शिया सुन्नी मुत्तफ़क अलैह है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इसरती अहल बैती। सुन्नती का लफ्ज़ भी है, लेकिन अगर ख़ुद मोतबर रिवायात अहल सुन्नत में मुलाहिज़ा फरमाइए तो इसरती का लफ्ज़ है। मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी किताब और दूसरे मेरे इसरत मेरे अहल बैत। जो कुरान के साथ मामला है वही अहल बैत अथार के साथ मामला है। कुरान ने अपने लिए इरशाद फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुन व बुशरा लिलमुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह सुबहानहु व तआला कह रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया है, ये रहमत है, शिफा है, बशारत है मोमिनीन के लिए। ये कुरान है, इससे बढ़कर किताब मुमकिन नहीं है, इससे बढ़कर अल्लाह का कलाम वो इंसान के सामने आया नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील सब मनसूख होती चली गई। कुरान करीम पाकीज़ा तरीन कलाम है, ये पाकीज़ा तरीन कलाम रहमत है, शिफा है, बशारत है मोमिनीन के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, लेकिन यही कुरान ज़ालिमीन के लिए खसारे के सिवा कुछ नहीं है, वही कुरान है, लेकिन ज़ालिमीन के लिए खसारा है। अस्सलामु अलैका निअमतल्लाहि अलल मोमिनीन व निअमतल्लाहि अलल काफिरीन। जनाब अमीर की ज्यारत में है, सलाम उस अली पर जो मोमिनीन पर अल्लाह की नेमत है और काफिरीन पर अल्लाह का अजाब है। वही एक अली, मोमिनों पर अल्लाह की नेमत। जो नेमत है तो सलमान व अबू जर व मिकदाद कंबर से पूछो, और वही अली काफिरों पर अल्लाह का अजाब है, वो मरहब व अमर इब्न अब्दुवत अंतर से पूछो। वो एक अली है। तो मामला जिक्र सैयद शहदा का भी ऐसा ही है। जिक्र सैयद शहदा में बहुत खूब कहा था किसी ने, का जिक्र शब्बीर का शोला भी है, अक्सीर भी है। और फरमाइएगा, जिक्र शब्बीर का, अक्सीर कहते हैं दवा को, तो जिक्र शब्बीर का शोला भी है, अक्सीर भी है। ये जिलाता है हमें, तुमको जला देता है। अच्छा, ये मामला फकत इस वक्त नहीं है, इसे मैं मुकम्मल करूंगा, दो मिसरे इसमें और है, लेकिन हदीस एक पहले सुनते जाइए। जिक्र शब्बीर का शोला भी है, अक्सीर भी है। जिलाना यानी जिंदा करना, ये जिलाता है हमें, तुमको जला देता है। अलकतरा में भी रिवायत मौजूद है, बिहार अनवार में अल्लामा मजलिसी ने भी इसे लिखा है। ये बात असल सदर इस्लाम से इसका ताल्लुक है, जब सरकारी खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाइएगा, उन्हें खबर मिली कि मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर कुरैश के किसी शख्स ने तंज किया है। रसूलुल्लाह को खबर मिली, रसूलुल्लाह मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और गजब के आलम में थे, और मजमा जो जमा था, किसी ने मौला अलैहिस्सलाम पर फतगा मजू का लफ्ज है, फतगा मजू अलैह है, यानी किसी ने दुश्नाम कहा मौला अली अलैहिस्सलाम को। रसूलुल्लाह को खबर मिली, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कहा मा लकुम अय्युहन्नास मा लकुम, ए इंसानों तुम्हें क्या हो गया है,
इज़ा ज़ुकिरा इब्राहिम व आलो इब्राहिम अशरकत वुजूहुकुम, जब इब्राहिम और आले इब्राहिम का जिक्र किया जाए तो तुम्हारे चेहरे खिल उठते हैं। व इज़ा ज़ुकिरा मोहम्मद व आलो मोहम्मद कसत कुलूबुकुम व अबसत वुजूहुकुम, जब मोहम्मद व आले मोहम्मद का तुम्हारे सामने जिक्र किया जाए, ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जब मोहम्मद और आले मोहम्मद का तुम्हारे सामने जिक्र होता है तो तुम्हारे दिल सख्त भी हो जाते हैं, तुम्हारे मुंह भी बसुर जाते हैं। इसका तर्जुमा असल में ये है, अबसद वजूहुकुम यानी मुंह बसुर लेना। अब मामला क्या है, उसके बाद रसूल ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि तुम में से लौ अमला अहदकुम, अगर तुम में से कोई अमल करे किसके बराबर, सबईन बिमिस्ल सबईन नबीयन, 70 अंबिया के बराबर भी कोई अगर अमल कर ले, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जा सकता, हत्ता बिहुब अली इब्ने अबी तालिब। यूजों ने वजाहत की, यानी ये मामला पहले से था, जब अली और औलाद अली का जिक्र होता था तो चेहरे बिगड़ जाते थे, इस तरह फर्शी अजा का भी यही मामला है। अब गौर फरमाइएगा, जिक्र शब्बीर का शोला भी है अक्सीर भी है, ये जलाता है हमें तुमको जला देता है, और जिक्र हैदर पे कोई बोले के खामोश रहो, चेहरा खुद नस्ल की ताबीर बता देता है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी दुरूद का मौका हो या नारे हैदरी का मौका हो, बुलंद आवाज से इसका इजहार करना चाहिए, इसलिए कि अपने पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसने 300 की ऊंटनी रसूल को 800 में बेची हो। हदीस रसूल में है कि जब तुम बुलंद आवाज से दुरूद भेजते हो तो खुदा दिलों से निफाक को खत्म कर देता है। अब यहां तो सारे मोमिन तशी, اللهم صل على محمد وعلى محمد तो मौका एक गुजारिश कर दूं, ये सोच के नहीं आया था कि हदीस पढ़ूंगा, लेकिन अब बात आ गई है तो, कि हुजूर जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो देखा कि एक फरिश्ता है जो नमाजों में मसरूफ है, और जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये जो फरिश्ता है इसकी एक नमाज 20,000 साल के बराबर है, एक नमाज 20,000 साल के बराबर है, 20,000 साल के बराबर ऐसे नमाज की कि 5,000 साल का कयाम करता है, 5,000 साल का रुकू करता है, मुझे नहीं मालूम दुनिया के साल थे या आखिरत के साल थे, 5,000 साल का सजदा, 5,000 साल का तशहुद, 5, 5, 5 और 5, 20,000 साल की 2 रकत नमाज है इसकी। कहा या रसूलल्लाह, जब ये नमाज पढ़ लेता है 20,000 रकत तो आपकी उम्मत को इस नमाज का सवाब हदिया फरमा देता है। तो उस वक्त हुजूर ने जबरील से कहा कि ऐ जबरील, तू क्या तुम समझते हो कि मेरी उम्मत व मोहताज इलैह, क्या वो मोहताज है इस नमाज की कि वो 20,000 रकत का सवाब, 20,000 साल की 2 रकत का सवाब हदिया करे मेरी उम्मत को, तो उनके सवाब में सारे तौर पर इजाफा हो जाएगा, क्या मेरी उम्मत का कोई एक शख्स अगर मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद भेज देता है तो अल्लाह 20,000 साल से ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये जो डायरेक्ट इस मजलिस की बात मैं गुजारिश नहीं, हर मजलिस में जहां कहीं तशरीफ ले जाएं, जब दुरूद का मौका हो भरपूर अंदाज से दुरूद भेजें, और जब नारा हैदरी का मौका हो तो भरपूर अंदाज से इसका इजहार होना चाहिए, इसलिए कि मैंने अर्ज किया हदीस में यह है कि ये दिलों के निफाक को खत्म कर देता है बुलंद आवाज से दुरूद भेजना। यहां सब मोमिन माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, लेकिन कोई भूला भटका आ चुका हो तो कम अज कम दिल का निफाक तो जाहिल हो जाए। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बाज लोगों को ये बुरा लगता है, काश के सब मोहब्बत अली इब्ने तालिब पर जमा हो जाते,
हदीस में है, इसके अहले सुन्नत मनाबी मेरे पास मौजूद है, लव इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलकल्लाहु नार, अगर सारे इंसान अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा जहन्नम की आंख को खल्क ही ना फरमाता। दिल में अगर इबलीस की मूरत ही ना होती और जहनों में कभी हक से कदूरत ही ना होती और करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, दोजख को बनाने की जरूरत ही ना होती। अगर सब, हाँ अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत में दर्जात है। किताब तावील आयात ज़ाहिरा सैयद शरफुद्दीन अस्तराबादी की किताब है, उसमें उन्होंने हदीस लिखी है, फरमाया कि मारूफ हदीस है, फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि ए अली तुम्हारी इंसानों में वैसी ही मिसाल है जैसे सूरह तौहीद की मिसाल कुरान में है, तुम्हारी इंसानों में वैसी मिसाल है जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। फिर उसके बाद वजाहत फरमाई का जो एक मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ ले अल्लाह एक तिहाई कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है, जो दो मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ ले कुल हुवल्लाहु अहद उसे दो तिहाई कुरान के पढ़ने का सवाब इनायत फरमाता है, और जो तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़ ले अल्लाह उसे पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। इसीलिए सूरह फातिहा के बाद तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाती है कि सूरह फातिहा भी हो जाए और उसके बाद तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम को बख्श दिया जाए तो कुल कुरान का सवाब उसे हदिया हो जाए। फरमाया कि ए अली तेरी मोहब्बत की मिसाल बिल्कुल सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है, मन अहब्बका बिकल्बिही फकत अहब्बा सुलसल ईमान। फरमाया कि अगर कोई कल्ब में मोहब्बत रखे, तेरी मोहब्बत कल्ब में रखे, फकत अहब्बा सुलसल ईमान, तो एक तिहाई उसने तुझसे मोहब्बत फरमाई है, एक तिहाई। फिर फरमाया कि वमन अहब्बका बिकल्बिही व लिसानिही, ये जो मैं नारा हैदरी की बात कर रहा था ये रस्म नहीं है, जो तेरी मोहब्बत दिल में भी रखे और जबान से उसका इजहार भी कर दे, फकत अहब्बा सुलसल ईमान, तो वो दो तिहाई ईमान से मोहब्बत करता है, उसका दो तिहाई ईमान पूरा हो गया। और मन अहब्बका बे कल्बिही व लिसानिही व बे यदिही, जो दिल में भी मोहब्बत रखे जबान से इजहार भी करे अमल से, उसकी जिंदगी में अली की मोहब्बत नजर भी आ रही हो, फिर उसका रुजू ने फरमाया उसका ईमान कामिल हो जाता है। इसलिए जब कुल्ले ईमान पर ईमान पूरा हो जाए तो ईमान कामिल हो जाता है। और हमारे इसलिए मोहब्बत अली में भी दर्जात हैं, ये ख्याल करना चाहिए हमें, और इस पर इंशाल्लाह अशरे की जो मजालिस हम बात करेंगे कि आपका यहां मजलिस में आना आपके दिल में मोहब्बत ना होती तो किसी दिल में मोहब्बत ना हो तो क्यों आएगा वो। दूसरा यह कि आपका नारा हैदरी लगाना ये इस बात की दलील है कि दो तिहाई मोहब्बत तो पूरी हो चुकी है। वो पूरी बात नहीं दोहराऊंगा, एक जुमले में इशारा, जिन्हें गुज़िश्ता साल की बात याद है, आप जब दिल में मोहब्बत रख के तशरीफ लाएं एक तिहाई मोहब्बत, नारा हैदरी या अली कहते हैं दो तिहाई मोहब्बत, फजर के वक्त उठ के नारा हैदरी लगाते हैं तो तीन तिहाई मोहब्बत पूरा मोहब्बत। मिसाल दे दूं बच्चों के लिए भी वाजे हो जाए, थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ते हैं, मौजू को आगे बढ़ाएंगे। कल वो हदीस आपके जहन में है, मैंने हर इमाम की मोहब्बत का अलग अलग अजर और सवाब मैदान महशर में बयान फरमाया था आपकी खिदमत में, मैदान महशर का पूरा नक्शा, एक एक इमाम से मोहब्बत के बाद क्या होता चला जाएगा। बच्चों के लिए मिसाल दे रहा हूं, जनाब पुलिस की पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की कोई पोस्ट होती है, अब पुलिस की पोस्ट में मिसाल देना आसान है, SHO की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू है, अच्छा इंटरव्यू के लिए कुछ शर्तें होती है ना, आप वैसे नहीं जाके दे सकते, ठीक है, हम किसी दिन ये ख्याल ना है कि सबसे पहली शर्त सिफारिश होती है वो यहां पर होती है, लेकिन वैसे एक मामला मैं उसूल की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपली भाई शर्त यह है कि कद कम अज कम 5 फीट 8 इंच हो। एक आया लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी SHO का इंटरव्यू देने, 6 फुट 2 इंच का भाई, बिल्कुल परफेक्ट है, तुम जो जो चाहिए तो उससे भी ऊपर हो भाई, सीना कितना चौड़ा हो, इतना चौड़ा, 5 इंच और चौड़ा था उसका सीना, एक घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ता हो, मतलब 3 किलोमीटर दौड़ना शर्त था, ये 5 किलोमीटर दौड़ता है, पुशअप्स कितनी लगा सकता है, 50 एक साथ लगा सकता हो, ये 100 एक साथ लगा देता है, सब इम्तिहान में A1, ऊपर ऊपर जितना चाहिए उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर,
जब इस आखिर में पूछा तेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ का बना है, कराची का, हैदराबाद का, लाहौर का, पेशावर का, लाड़काना का, कहाँ का? कमियां नई दिल्ली का हूं मैं, नई दिल्ली का शनाख्ती कार्ड है। नई दिल्ली का भाई, नई दिल्ली वाला कराची में ऐसे तो नहीं लग सकता, ये मुमकिन नहीं है। यहां पर पासपोर्ट कहाँ का बना हुआ है? का दिल्ली का बना हुआ है, और दिल्ली वाले का कराची में ऐसे तो नहीं लग सकता। कुछ भी हो जाए, कितनी भी सलाहियत है, कुछ लोग पहुंचे मैदान महशर में, नमाजें दिन में 5 वाजिब थी, बहुत पढ़ के पहुंचे, जो समझ चुके हैं वो बाबा से बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। नमाजें थी 5 वक्त की, ये बहुत पढ़ के पहुंचा था, रमजान में तो कुछ ज्यादा ही पढ़ी थी। रोजे थे फकत रमजान के वाजिब, जनाब महीने रोजे रखता था, 3 दिन मुस्ताब रोजे, हज 1 वाजिब था, इतने हज किए थे कि अलहाज कहलाते थे, दाढ़ी थोड़ी वाजिब थी, इतनी रखी थी कि दूर से नजर आती थी, सब कुछ पूरा था। बिल्कुल पहुंचते 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 सब कंप्लीट होते 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 पुलिस सिरात पर पहुंचे, वहां एक फरिश्ता खड़ा था, जनाब खलीफा अव्वल रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी हदीस उनसे रिवायत है, फरमाते हैं खलीफा वहां पर एक फरिश्ता वहां पर मौजूद है और वो सवाल कर रहा है कि ला यजूज रद्दुन अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहु अलीयुन जवाज, सब कुछ तेरे पास है, इस सिरात से वही गुजर सकता है जिसके पास मोहब्बत अली का जवाज मौजूद है। मिसाल याद रहेगी, जब तक ये जवाब ना हो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। और देखिए मैंने अर्ज किया, हत्ता अमीरुल मोमिनीन की विलायत के हवाले से तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, मोहब्बत अली पर किसी इख्तलाफ हो सकता है नहीं। हाँ खिलाफत के बारे में डिबेट है, बहस है, वो अलग बात है, लेकिन विलायत मोहब्बत अली के बारे में अफसोस होता है कि बाद अहबाब उन्हें जिक्र अली से तकलीफ होती है, जबकि पहला इमाम न सही, पहला इमाम न सही, कम अज कम सहाबी रसूल समझते हुए तो एहतराम वाजिब है या नहीं है। अजन इमाम नसाई ने लिखा है कि किसी सहाबी के लिए, अगर अली को सहाबी भी समझे, छोड़ दें एक तरफ अहले बैत की बात, अजन सहाबी है या नहीं है, कम अज कम है या नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ना। कहा कि किसी सहाबी के लिए भी इतनी सही और हसन हदीसें नहीं आई, मा वरद फी हक अली इब्न अबी तालिब لم يرد في حق احد من الصحابه من السحاء والاحسان ما ورد في حق علي بن ابي طالب। सहाबा की अजमत है, हम कायल हैं अजमत सहाबा, अली वालों से पूछो। हाँ लेकिन अहले बैत देखिए, मस्जिद मस्जिद है, काबा काबा है, मस्जिद का एहतराम है तो कोई शक नहीं है, लेकिन मस्जिद का प्रोटोकॉल अलग है, काबे का प्रोटोकॉल अलग है। कोई हालत नजासत में हो, मस्जिद में एक दरवाजे से दाखिल हो, दूसरे दरवाजे से निकल सकता है या नहीं? बिल्कुल निकल सकता है, अगर रद्द होना चाहे तो। काबे ऐसे कर सकता है? नहीं, हालत नजासत में कोई काबे के करीब नहीं जा सकता, इसलिए कि यहां युतहिरकुम तत्हीरा वाले की विलादत हुई है। तो मस्जिद का मामला अलग है, काबे का मामला अलग है, तो हर एक का मकाम अपने एहतराम पर अपने हिसाब से है। एक सहाबी जो है वो रसूल का बचा हुआ दूध पी सकता है, है तारीख में है, रसूल ने दूध नोश फरमाया और उसके बाद उन्होंने कुछ रख लिया और किसी सहाबी ने उसे पी लिया, तो एक सहाबी जो है का एहतराम है, उसका उसकी मंजिल है ये कि वो रसूल का बचा हुआ दूध वो नोश फरमा सकते हैं, लेकिन रसूल की जबान को नहीं चूस सकते। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल का बचा हुआ दूध पीना और है, रसूल की जबान को चूस लेना और है, रसूल के तलवों के पीछे नमाज पढ़ना और है, पुश्ते रिसालत पर आ जाना और है, रसूल को अपने कंधों पर उठा लेना और है, रसूल के कंधों पर आ जाना और है। सहाबी
पुल से गुजर सकता है, पुल से गुजार नहीं सकता है। वो जन्नत में जा सकता है, जन्नत के जवानों का सरदार नहीं हो सकता है। वो कौसर पी सकता है, साकिये कौसर नहीं। वो मोमिन हो सकता है, वो अमीरुल मोमिनीन। वो रसूल को बेटी दे सकता है, रसूल से बेटी ले। एक का मकाम हम एक जुमला जो गुजारिश कर चुका हूं, आप सुन भी चुके हैं, याद दहानी के लिए एक जुमला है कि आलम इस्लाम ये इल्जाम लगाया जाता है, जहां जहां तक आवाज जा रही है। देखिए, मैंने इहतराम सहाबा पर बात की है, जहां जहां तक आवाज जा रही है। आप चौथे इमाम इमाम जनाब आदिल इस्लाम की सईफ सज्जादिया को देखिएगा, मौला के नाम पर दुरूद भेजते हैं पहले मोहम्मद आलम मोहम्मद पर। सज्जादिया को मुलायदा फरमाइए, उसमें दुआ मौला ने इरशाद फरमाई है अस्हाब और ताबीन के लिए, चौथे इमाम ने। ये अगर ये मैं जितने यूनिवर्सिटी के जवान दाने बाने तशरीफ फरमाए, जब कभी एकेडमिकली देखें, एतराज की अलग अलग किस्म होती है। एक होता है एतराज बरा एतराज, शोर मचाने के लिए, फसाद करने के, वो हर एक के लिए अलग अलग जवाब है। लेकिन अगर कोई एकेडमिक्स के एतबार से पूछता है कि अस्हाब का आपके यहां जो एहतराम है, तो बेहतरीन दलील है कि आप कह सकते हैं कि हमारी निगाह में जो हुज्जत खुदा है मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम, उन्होंने जो दुआएं इरशाद फरमाई हैं उनमें से एक दुआ अस्हाब रसूल के लिए इरशाद फरमाई है। और हमारे एहतराम है, हर एक का एहतराम मैंने अर्ज किया बेहसबी ही है। और मैं कहता हूं कि सारे मुसलमान मिलकर तय कर लें, हम तो इस बात पर आमादा है कि जो सहाबी को बुरा कहे उस पर लानत हो, और जो बुरे को सहाबी कहे उस पर भी लानत हो। और हमारे इसलिए अस्हाब का एहतराम, वो अगर हमारे किसी कॉल ऑफ फेल से कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा अमल सादिर हो जाए जो वाकई अस्हाब बा वफाए सरकार खतीम मर्तबत की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी का, खुदा ना खासा नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, अगर उससे बू भी उसकी आ रही हो, नहीं, हम तो सलमान अबू ज़र के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल बात है। तो अब इस एतबार से हमने अपना अकीदा बिल्कुल वाजे रखा है। हाँ, हमने अर्ज किया हर एक का मकाम अपने एतबार से अलीयुन माल कुरान वल कुरान अलीयुन, ये अपना मकाम है। मुझे बतलाइएगा, मैं आलम इस्लाम अगर जहां जहां तक आवाज जा रही है, मैं कह रहा हूं कोई झूठी से झूठी हदीस दिखला दीजिए किसी एक हस्ती के बारे में सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, कि हुजूर ने उनके लिए इरशाद फरमाया हो कि वो हमेशा कुरान के साथ हैं और कुरान हमेशा उनके साथ है। नहीं, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी है, इसमें कोई फसाद की बात थोड़ी है, कहीं दिखाइए। नहीं, हो नहीं, किसी के लिए नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वाहिद अली का वो सर था जो कभी बुत के सामने नहीं झुका था। इसलिए कि अगर लम्हा भर भी किसी का सर बुत के सामने झुक जाए तो फिर वो कुरान के साथ नहीं हुआ ना उस लम्हे में। वे कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था इसलिए उनके इस्लाम का नऊज़ु बिल्लाह पता नहीं है। मैं कहता हूं कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो पहले काफिर रह चुके हों। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर कोई एक लम्हे भी अपनी जिंदगी में किसी भी लम्हे मुशरिक रहा हो, बाद में तौबा कर ली हो, ठीक है, तो उसका एहतराम है, मुसलमान हो गया, रसूल ने उसे कबूल कर लिया, तुम कौन होते रद्द करने वाले। लेकिन वो उस लम्हे कुरान के साथ नहीं था, इसलिए जो बुत परस्त हो वो कुरान के साथ नहीं हो सकता। अलीयुन माल कुरान वल कुरान अलीयुन, अली हमेशा कुरान के साथ, कुरान हमेशा अली के साथ, लम्हा भर भी जुदाई मुमकिन नहीं है। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह अलहम्द है, अली साहिब लिवा उलहम्द है। कुरान में सूरह मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है।
कुरान में जन्नत का जिक्र है जन्नत में भेजने वाला अली, कुरान में जहन्नम का जिक्र है जहन्नम में धकेलने वाला अली। अगर फर्श की आयत पूछना है तो बिस्तर पर सोने वाले से पूछो, अर्श की आयत को पूछना है तो पर्दे से बोलने वाले से पूछो। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो एक लम्हे भी कुरान से जुदा ना, मारिफत इमाम, इमाम कभी भी कुरान से जुदा नहीं हो सकता, लम्हे भर के लिए भी जुदा नहीं हो सकता। फर्श की आयत बिस्तर पर सोने वाले से पूछो, अर्श की आयत पर्दे में बोलने वाले से पूछो। कुरान हाजत है, अली हाजत रवा है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। ये मैं नहीं कह रहा पर्दे में बोलने, ये मैं नहीं कह रहा, इमाम शाफी की एक नज्म है, इमाम शाफी अलैह रहमा, इमाम अहले सुन्नत, قيل لكل علي مدح مدحه يخمد نارا مؤصدا, मुझसे कहा गया मैं अली के फजाइल बयान करूं, मदह युखमिदु नारन मौसदा, और अली के फजाइल बयान करना जहन्नम के अजाब को बुझा दिया करता है। इमाम शाफी कह रहे हैं, अब जिस को जहन्नम माफ करवानी है उसे अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करना पड़ेगा, ये इमाम शाफी कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नज़म लिखी है, अब इस वक्त नहीं कि मैं पूरी नज़म सुनाऊं, पहला शेर सुनाया, आखिरी शेर सुनाऊंगा। पहला शेर क्या था, मद कील अली, मुझसे कहा गया है, कुल अलीयन मदह, अली की शान में मदह करो, मदहु युखमिदु नारन मौसदा, अली की मदह करना जहन्नम के अजाब को बुझा दिया करता है। फरमाया कि मेराज का वाकया था, सरकार तशरीफ ले जा रहे थे मेराज पर, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, एक मंजिल आई, लव दनौ तो अनमोल अशतरफ, तो जिब्रील ने कहा अगर अंगुश्त पोर के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो जलकर हलाक हो जाऊंगा। मोहम्मद सरकार खत्मी मर्तबत अपनी नालेन मुबारक के साथ आगे तशरीफ ले गए, तौसीफ मोहम्मद की वो तहरीर कहां तक, नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहां तक, जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहां तक, नालेन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। अब हुजूर पहुंचे अपनी नालेन मुबारक के साथ जहां जिब्रील जल जाता, जर्रा भर भी आगे बढ़ता, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते 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 उस मकाम तक पहुंच गए कि काब कौसैन औ अदना, दो कमान या इससे भी कम का फासला रह गया, दो कमान से कम का फासला, एक मजलिस में पहले वजाहत करके आ रहा हूं उसको यहां पर नहीं दोहराऊंगा, दो कमान या इससे कम, यानी दो कमान से कम एक कमान, हर फासला मिट गया खुदा में और बंदे में, एक कमान का फासला रहा, वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे, बाकी अपनी सारी रहमत मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाई, खुदा राजिक था रिस बटेगा मोहम्मद मुस्तफा के सदके में, वो आदिल था अदालत होगी मोहम्मद मुस्तफा के सदके में, वो मोहसिन है एहसान होगा मोहम्मद मुस्तफा के सदके में, सब कुछ हुजूर के सदके में, एक कमान का फासला रह गया, वो खालिक है ये मखलूक है। अब यहां तक रिवायत आ गई, इमाम शाफी कह रहे हैं, इमाम शाफी ने अब जो बात कही उसका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है, फरमाते हैं कि अब पर्दा लगा था दरमियान में, वो कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह खुदा की चूंकि जिस्मानियत के कायल है, खुदा जिस्म रखता है, तो कहते हैं कि पर्दा है, एक तरफ सरकार है, पर्दा, पर्दे के पीछे खुदा। अब तसव्वुर फरमाइए कोई बहुत बड़ी अजीम शख्सियत हो और आप एक तरफ हो और वो आपको बताए कि एक पर्दा है उसके पीछे, वो तशरीफ फरमाए और वो बात हो रही है उनसे लम्हा ब लम्हा वैसी, तो दिल में खौफ होगा ना किस तरह, तो वो बिल्कुल वही कैफे लेते, कहते हैं एक तरफ खुदा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जिस्म के साथ, और एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा, और हुजूर के दिल में हैबत हो रही थी के पीछे खुदा बैठा हुआ है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इमाम शाफी नज़्म लिखते 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 आते हैं और कहते हैं कि चूंकि खुदा ने उस डर को महसूस किया नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जो उनके दिल में था, क्योंकि खुदा बैठा हुआ है, तो अल्लाह का एक हाथ बाहर निकला, अल्लाह का हाथ बाहर निकला और हुजूर के शाने पर आ गया, अल्लाह ने हाथ यहां रखा, हम कहते हैं ना घबराओ नहीं, तो हुजूर के शाने पर हाथ आया, ये इमाम शाफी पूरी नज़म में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर के शाने पर हाथ आया, और हुजूर के शाने पर जैसे अल्लाह का हाथ आया तो हुजूर को इत्मीनान नसीब हो गया, वो कहते हैं कि वो जो दिल में खौफ था, वो जो हैबत थी, वो खत्म हो गई और मुझे सुकून नसीब हो गया। फिर आगे कहते हैं, अब मैं पहला शेर पढ़ता हूँ फिर आखिरी शेर पढ़ता हूँ, कील अली कुल अलीयन मदहा मदहु युखमिदु नारन मौसदा, मुझसे कहा गया अली के फजाइल बयान करूँ, और अली के फजाइल बयान करना जहन्नम के अजाब को बुझा दिया करता है। वअली वाज़िउन अख़दामहु फ़ी मुहल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा,
अली की फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि मेराज की शब जिस जगह अल्लाह ने अपना हाथ रखा था बुतों को तोड़ते वक्त अली ने उस मकाम पर अपने पैरों को रखा था। अजीब है, वाकई अजीब है। इमाम शाफी कह रहे हैं कि अली ने उस मकाम पर अपने पैरों को रखा था। अजीब है। जब जनाब अमीर दोश रिसालत पर थे, कई फहाल कवान ताला कितफ रसूल अल्लाह, सवाल किया गया, ए अली आपने कैसा महसूस किया जब आप दोश रिसालत पर थे? फरमाया, कई फहाल मन फौकहु रब्बुल आलमीन व तहतहु सैयदुल मुरसलीन। उस शख्स की कैफियत क्या पूछते हो कि जिसके ऊपर रब्बुल आलमीन हो और जिसके नीचे सैयदुल मुरसलीन हो। तो हर एक का मकाम, आज की गुफ्तगू में क्या गुजारिश करना चाह रहा था, हर एक का मकाम उसके अपने हिसाब से है। उसे उस हिसाब से मकाम दिया जाए तो जाहिर है कि हम उसे कबूल करने को, जिसका जो प्रोटोकॉल है। अब आखिर में एक हदीस और पढ़ रहा हूं, हदीस थोड़ी सी तुलानी है, जैसे उस दिन पढ़ी, कल की मजलिस में एक हदीस पढ़ी थी, और आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का लुत्फ महसूस कर पाएंगे। असल अमीरुल मोमिनीन का तो प्रोटोकॉल है, अली से या खानवादे अली से छोटी चीज मंसूब हो जाए, छोटी चीज मंसूब हो जाए। रिवायत एक सुनाता हूं, आप मेरे साथ साथ रहेंगे, अरबी जबान में सुनाता हूं ताकि आप उसे मनाबे से रब दे सकें। यहां से वहां तक बावा से बुलंद दुरूद भेज दें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम का। कुल औलिया हो जिसकी विलायत से बहरावर, कुल औलिया हो जिसकी विलायत से बहरावर, कुल अंबिया के वास्ते हाजत रवा बने, और जागे तो एक जर्ब पे सकलैन हो निसार, हिजरत की शब सोए तो फिर मुस्तफा बने, और दुनिया में जिसका नाम हो बख्शिश की सलसबील, कुछ सोचिए वो हश्र में आए तो क्या बने। ज़ैनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। ज़िक्र अली इबादा, खुद अमीरुल मोमिनीन का जिक्र करना अल्लाह की बंदगी है। पता नहीं रिवायत गुजारिश की है या नहीं की है कि जब सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमाते और असहाब का एक झुरमुट था और तिलावत फरमा रहे थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो एक बुजुर्ग साहबी थे, वो खड़े होकर उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मा हुवा सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? हुज़ूर ने कहा आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। उसके बाद वो फिर खड़े हुए कुछ देर बाद, कहा या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम तो बता दें क्या है, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता। हुज़ूर ने कहा बैठ जाओ। तीसरी दफा पूछा, चौथी दफा पूछा, पांचवी दफा पूछा, हुज़ूर बिठाते गए बिठाते गए बिठाते गए बिठाते गए, नौ मरतबा पूछा, हुज़ूर ने बिठा दिया, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ देर बाद हुज़ूर ने कहा आप खड़े हो जाओ और अब पूछो। इस दखल अलियुन फिल मस्जिद, इसलिए कि अली मस्जिद में दाखिल हो चुके थे। अब पूछो, कमा हुआ सिरात मुस्तकीम, या रसूल्ला सिरात मुस्तकीम क्या है? हुजूर ने मुकम्मल तौर पर अली इब्न अबी तालिब की तरफ रुख किया, अबाए मुबारक से अपने हाथों को निकाला, फरमाया कि हाँ अदा हुआ सिरात मुस्तकीम, ये मुजस्सम सिरात मुस्तकीम है। इस सिरात मुस्तकीम पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब हो इंशाअल्लाह, ये जरूरी है, अमल करना साथ में जरूरी है, वरना सिरात मुस्तकीम पर चलना, सिरात मुस्तकीम सिरात को देखना, रास्ते को देखना और तारीफ करना, ये अलग मकाम होता है। रास्ता देखने के लिए नहीं होता, रास्ता चलने के लिए हुआ करता है। ठीक है, तो रिवायत है सालेह मारूजी से, सालेह मारूजी ने कहा कि, रिवायत सुना रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा आप, सालेह मारूजी ने कहा कि कुंतु फी काफिलतिल हुज्जाज कासिदन इला बैतिल्लाहिल हराम, मैं हुज्जाज के काफिले में था, हाजियों के, कासिदन इला बैतिल्लाहिल हराम, और हज करने जा रहा था, मेरे साथ रहिएगा, साहिबना फी तरीक रजुलुन ला आरिफुहु बिल इस्म वन नसब, मेरे साथ एक शख्स था, शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो रिवायत, मेरे साथ एक शख्स था कारवान में, हज कारवान में, अभी ज़िलहज का महीना गुजरा है, आज ही जाते हैं कारवान में। अब कारवान में अलग अलग किस्म के साथी होते हैं, कुछ वो साथी होते हैं मौत के लिए भी है, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया कि मौत की दो किस्में, बल्कि गालिब इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया मौत की दो किस्में, एक किस्म यह है कि मरने वाला जब मर जाता है, मरने वाला जब मर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है दुनिया के गमों से,
वो आजाद हो जाता है, और दूसरी मौत यह कि जब वो मर जाता है तो दूसरों को सुकून मिल जाता है। इमाम रसूल सलाम ने फरमाया, क्या हकीकत है दो जुमलों में। इमाम फरमाया कभी कोई मरता है उसे सुकून मिल जाता है, और कभी कोई मरता है, मैं कह चुका हूं ये जो सुकून मिल रहा है, मौत जब साहिब किरदार से टकराती है वो मरता नहीं, मौत मर जाती है। अमीर मोमिनीन जब तशरीफ लाए तो फिर ठीक है, तो उसे सुकून। अच्छा, तो काफिले में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, काफिले में कभी ऐसा होता है कोई इंसान के चाहता यह है कि भाई उसको उसे हमेशा याद रहता है, और दूसरा कोई इस किस्म का आदमी होता है कि जो उसे उसकी तकलीफ याद रहती है, वो याद नहीं रहता खुद, कहता पता नहीं कहाँ का मुश्किल की थी इसने। तो खैर अल्लाह तौफीक नसीब करे, चूंकि बाज ज़ायरीन भी तशरीफ ले जाने वाले हैं आहिस्ते आहिस्ते करबला मौला, तो ज़ियारत का जो हक है उसमें यह है कि ज़ायर ज़ियारत भी करे और साथ में बाकी ज़ायरीन की खिदमत भी करे, वो इंशाल्लाह तौफीक नसीब हो सके। तो साहिबना फिर तरीक, उसने कहा कि रास्ते में एक शख्स था, ला आरिफुहु बिल इस्मि वन नसब, ना मैं उसके नाम को जानता था ना कबीले को जानता था, लेकिन वकान इंदहु शैउन मलफूफन बिस्सौब, उसके पास एक चीज थी, शय थी, जिसे उसने कपड़े में लपेटा हुआ था। वकान युबालिगु फी हिफ्ज़िही, वो उस शय की बहुत हिफाजत किया करता था कपड़े में लपेट के। साले मारूजी कह रहा है मैं देख रहा था, और रुब्बमा रअयतुहु अक्सर मुलासिकन बिसदरिही, अक्सर वो शय को अपने सीने से लगाए रहता था, सोता था तब भी सीने से लगाए रहता था, कहीं जाता तब भी सीने से लगाए रहता था, नमाज के भी कुछ करता था सीने से लगाए रखे, जब भी मैंने उसे देखा वो सीने से लगाए रखता था उस शय को, मैं सोचता पता नहीं क्या है कपड़े में लपेटी। ठीक, बाद यौमैन, दो दिन बाद हम रास्ता भूल गए, महीनों का सफर होता था हज का, रास्ता भूल गए। फलम अहसबिन अज़लाल, जब हमें यकीन हो गया कि अब रास्ता मिलने वाला नहीं है, भटकते रहेंगे इधर उधर, तो वो शख्स जो उस कपड़े में लिपटी हुई चीज को अपने साथ लगा के रखता था उसने उसको सामने रखा, वह वज़ा यदहुल युम्ना अलैह, और अपना दाया हाथ उसके ऊपर रखा, और उससे वैसे ही मुखातब हुआ जैसे किसी इंसान से बात की जाती है, और कहा ऐनल मुबारक, उस चीज को कह रहा है ए बरकत वाली शय, ऐन तरीक, ये बता रास्ता कहां से मिलेगा। कहते हम देख रहे थे एजाब सऊतिन का सऊतिल इंसान है मिनत सऊबे, तो बस उससे वैसी ही आवाज आई उस कपड़े से जैसे किसी इंसान से आवाज आती है, और इंसान की आवाज में मुखातब हुआ कि खुज बिल यमीन, सीधे हाथ की तरफ जा, वमश कलीलन, थोड़ा सा आगे बढ़, वह अंतालत तरीक, तू रास्ते पर पहुंच जाएगा। अच्छा, हम दाएं तरफ मुड़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, रास्ते पर पहुंच गए। तो साले मारूजी कहता है मैं देख रहा था उस शख्स को, अच्छा मैंने सोचा कि उससे बात करूं ये चीज क्या है, लेकिन जैसे मैं बात करने के लिए पहुंचा तो इधर उधर हो गया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कारवान में कहां है। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़े, बाद सलाह से तैयार, हम तीन दिन और गुजरे, जब तीन दिन और गुजरे तो नफिदल मा, पानी खत्म हो गया, फातश नाचन शदीदन, शदीद प्यास महसूस होने लगी हमें, पानी खत्म हो गया रास्ते का, प्यास बहुत इतनी शदीद प्यास कि जबाने प्यास से बाहर थी, हमारे जानवरों की जबाने भी मुंह से बाहर थी, और हलकान हो रहे थे और हलाकत के करीब थे, पानी नहीं मिल रहा था। तो वो शख्स जो उस शय को अपने सीने से लगा के रखता था, फिर उसने सामने रखा, वज़ा यदहुल यमना अलैह, फिर अपना दाया हाथ उस शय पर रखा और कहा या मुबारक, ए बरकत वाली शय, ऐनल मा, ये बता पानी कहां से मिलेगा। फैजा बे सऊत का सऊत इंसान है मेरा सऊब, तो बस उस कपड़े से वैसी ही आवाज है जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो, और उसने कहा कि वंश कलीलन, थोड़ा सा आगे बढ़, अमाम अकल जबल, तेरे आगे एक पहाड़ आएगा, वह इन इंदल जबल ऐनन साफिया, और पहाड़ के पास जब तू पहुंच जाए तो साफ और जुलाल चश्मा वहां से बह रहा होगा। अजीब, साथ है मेरे आप, ठीक है, आप सबकी निगाहें बता रही हैं जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे साथ हैं, जबाने चुप है, थोड़ा सा इजहार कर दे तो मैं और आगे बढ़ू। अल्लाह ये रिवायत खास ले गुजारिश कर रहा हूं कि आप महसूस कर पाएंगे, जब नतीजा इसका आएगा तो महसूस कर पाएंगे। हम आगे बढ़े, पानी आ गया, कपड़ा बात कर रहा है, कपड़ा रास्ता बता रहा है, कपड़ा पानी का बता रहा है, हम आगे पहुंचे पानी आ गया। अच्छा, साले मारूजी कहता है मैं पानी के, इतनी प्यास लग रही थी अब किसी को होश ही नहीं, किसी का, सबने पानी जमा करना शुरू किया, पानी पीना शुरू किया। कहता है माँ शरीब तो फी हयात कत्तो शराबन अतियब मिन हो वह अलग,
मैंने अपनी सारी जिंदगी में इससे मुअत्तर और खुशबूदार पानी नहीं पिया था, ऐसा लजीज पानी। अच्छा, पानी पीकर जब कुछ होश में आए तो हमारे साथ जो हाजी थे, किसी ने कहा मेरा दूसरा हज है, किसी ने कहा मेरा चौथा हज है, किसी ने कहा मेरा छठा हज है, और सब ने कहा कि लम नजिद हुनाका मिनल माए असरन मा अन वला असरन। हम जब भी यहां से हज के लिए जाते हैं, इस रास्ते में, इस पहाड़ पर तो हमने कभी पानी का कोई चश्मा ही नहीं देखा। ये क्या अरे सारे मारू जी कहता, मैं फिर उसको ढूंढने के लिए निकला, ऊपर चला, फिर नजरों से ओझल, अरे कहां पर है वो। अच्छा, अब मैं दिमाग में मेरे सब ये ऐसी कंफ्यूजन हो रही है कि हज का होश ही नहीं है, अब ये कौन आदमी है और कौन सी चीज है, किससे बात करता है, किससे जवाब भी आ जाता है, रास्ता भूलो तो ये बता देती है, प्यासे हो तो पानी का पता बता दे, थोड़ा सा आगे बढ़े हत्ता वलग नल का बता। ऐसा लगा जैसे रास्ता ऐसे शॉर्टकट हो गया, हम वन काबे करीब पहुंच गए। जैसे हम काबे करीब पहुंचे, तुफना उस्बुआन, हमने साथ तवाफ किए, फलम्मा अहललना, तवाफ के बाद सही, सही के बाद तकसीर, उसके बाद एहलाल, एहराम उतर जाता है, वहराम उतर गया, एहलाल हो गया, वस्तरहना, और कीजिए मेरे साथ, कहते हम काबे के पास इस्तराहत कर रहे थे। अब जो हाजी हैं, जो उमरा पे जा चुके हैं, उन्हें पता है, इसका कोई इलाज हो जाए तो भी जज़ाकुमुल्लाह। फलम्मा अहलल, अच्छा जब एहराम उतरता है ना आदमी का, मतलब ये तकसीर से फारिग हो गया, वो ठंडी सांस लेता है, बिल्कुल वाकई यकीन जानी है, बिल्कुल सुकून, वरना फौरन खौफ खुदा से कितने एहराम पे अमल नहीं कर रहे होते, खौफ बकरा से चल रहे होते, दिमाग में बकरा ही घूम रहा होता है, ऐसा कर लिया तो कफारा बकरा लगेगा, ऐसा कितने बकरे, उतने बकरे, उतने बकरे। अरे भाई, वो जो हज की सारी मानवियत है, रूहानियत है, वो बकरे की नजर हो जाती है, कुर्बान। आखिर में हमारे एक सिंधी भाई साहब जितने तशरीफ फरमाए, मोमिन मैं ऐसे नहीं, वो आए, उन्होंने अपने बड़े खास मिजाज में पूछा, इतनी गलतियां हो चुकी थी, कोई पता नहीं 10-12 बकरे थे, उन्होंने कहा सही कुक्कड़ से काम चल जाए तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मसला यह है कि जहां बकरा हो, कुकर से काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहां ना जानवरों को बदला जा सकता है, ना ये कि रसूल ने जिसको मुअय्यन फरमाया हो किसी और को बदला जा सकता है। जो जिस जगह पर है, आज के मौजू ये चल रहा है, जो जिस जगह पर उसी जगह पर रखो। तो क्या, अब इतना इंसान थका हुआ होता है, कहते हैं हम इस्तराहना, हम इस्तराहत कर रहे थे, मकाम इब्राहिम के पीछे एहराम उतर गया, इस्तराहत कर रहे थे, सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन थकन बहुत है, याद तक कि वो मुझे अचानक नजर आ गया, मैं कहा मौका बिल्कुल ठीक है, इसको छोड़ो नहीं यहां पर, फौरन उसके बाद उसको पकड़ लिया मैंने, मैंने कहा कि अस्अलुका बिहक्क हाज़ल बैत व रब्बी, तुझे इस बैत खुदा की इज्जत का और उसके रब की इज्जत का वास्ता, मुझे ये बता मन अंता, तू है कौन, वमशय उल मलफूब अल्लज़ी तहत सौबिका, वो कौन सी शय जो तूने अपने कपड़े में रखी हुई है, ये क्या मामला है। उसने इसरार किया, जाने दो, छोड़ो, कहा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे पास कोई तिलिस्म है, कोई राज इलाही है, तू बताएगा। वो उसने कहा कि बात थोड़ी लंबी है, तकरीर थोड़ी लंबी हो जाए तो मैं चाहता हूं, सही है। तो उसने कहा कि बात लंबी है, बात यह है कि मेरा नाम इब्राहिम है, अब ये साले मारूजी बात करे इब्राहिम से, कह रहा मेरा नाम इब्राहिम है, हुकुन तो मार रशीद अल अब्बासी हीना मजार कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिल मदीना, اللهم صل على محمد وعلى محمد। कहते मैं हारून रशीद अब्बासी के साथ जियारत पे गया मदीना, बादशाह था वो, वही लेन जिसने मेरे मौला बाबुल हवाइज को 14 बरस कैद में रखा था, बकौल हजरत मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामहु, मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानियों पीरी गुजर गई, वो मसायब है। तो गौर फरमाइएगा, कहा कि मैं उस काफले में था, हम पहुंचे मदीना, अब जब मदीना पहुंचे तो उसने कहा कि उदउली इमाम राफिज़ते, मुझे राफिजियों के इमाम को जरा लेकर आओ मेरे पास। राफिजी किसे कहते थे,
बतौर तंज शिया यानि हैदर करार को राफिजी कहते थे। ठीक है, राफिजी का मतलब क्या था? ये राफिजी तारीख में लिखा हुआ है, राफिजी का मतलब ये डिक्शनरी मीनिंग ये है कि किसी ने अगर कोई चीज छोड़ दी हो, किसी चीज का इनकार किया हो, उसको कहते हैं राफिजी। और चूंकि हमने सिलसिला खिलाफत को छोड़ दिया था, इसलिए हमें कहा जाता था राफिजी बतौर तंज। तो उसने कहा अच्छा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है राफिजी पर। जट इमाम ने फरमाया था कि ला युहन्निकुमुल इस्म, मैं तुम्हें एक नाम की मुबारकबाद देता हूं। उसने कहा मौला क्या? कहा राफिजी। कहा मौला ये तो हमें तंज पे कहते हैं, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। इमाम ने कहा कि राफिजी का मतलब यह जिसने किसी शय का इनकार किया हो और किसी चीज का इकरार किया हो। सबसे पहले राफिजी वो जादूगर थे दरबार फिरौन में जिन्होंने फिरौन का इनकार किया था, मूसा का इकरार किया था। लअन्नहुम रफ़ज़ुल बातिला वत्तख़ज़ुल हक़, इसलिए कि उन्होंने बातिल को छोड़ दिया था, हक को कबूल कर लिया था। तो उसने कहा राफिजियों के इमाम को बुलाओ। युरीदु बिहिल फ़ख्र, चाहता था कि अपना फख्र गुरूर जाहिर करे। मौला को लाया गया, सातवीं हुज्जत, मौला को लाया गया। और जब मौला तशरीफ ले आए, इब्राहिम कह रहा मैं देख रहा था, हारून रशीद ने कब्र रसूल की जानिब देखा, कहा सलाम अलैकी अबनल अम, ए मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम हो। अब्बास हुजूर के चचा हैं, बनी अब्बास वहीं से हैं। तो कहा मेरे चचा, अपनी रिश्तेदारी जाहिर करना चाहता था हुजूर के साथ। जैसे ही हारून रशीद ने कहा ना कि सलाम अलैकी अबनल अम, ए चचा के बेटे सलाम हो, वनादा बे अला सौतिही, इमाम ने बावाज़ बुलंद फरमाया अस्सलाम अलैक या अबता, ऐ मेरे बाबा तुझ पर मेरा सलाम हो। जैसे इमाम ने कहा ऐ मेरे बाबा तुझ पर मेरा सलाम हो, फअजाब कब्र रसूलल्लाह, तो रसूलल्लाह कब्र से आवाज आई कि वालेकुस्सलाम या वलदी वया हुज्जतल्लाह अला उम्मती, ऐ मेरे बेटे और ऐ मेरी उम्मत पर अल्लाह की हुज्जत, तुझ पर भी मेरा सलाम हो। जब जैसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। चाहता यह था कि अपनी इज्जत अफजाई हो, और जलील हो गया सबके सामने। रसूलुल्लाह ने कब्र से जवाब दिया, कहते हैं कि फसार अवज हारून असद अशद जुल्मतन मिन अल्लैल, इतना उसे गुस्सा आया कि रात से ज्यादा सिया हो गया हारून का चेहरा। वह असर बुग्ज़हु फी कल्बी, उसने मौला का बुग्ज़ अपने दिल में रख लिया। अभी उसको कुछ कहा नहीं कह सकता था उस वक्त, चला गया वापस बगदाद। जब बगदाद पहुंचा तो बासा जमअन मिन अस्करही, वहां से उसने एक लश्कर भेजा मौला को गिरफ्तार करने के लिए, ताकि क्योंकि मौला अगर मदीना में रहें और ये मौजूदात जाहिर होते रहे तो मदीना में हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा मौला को भेज। इब्राहिम कहता चूंकि मैं साथ जा चुका था लिहाजा मुझे साथ भेजा कि राफजियों के इमाम को लेकर आओ। इब्राहिम कहता कि मैं लश्कर में साथ गया, लेकिन चूंकि मैं इमाम के इस मौजजे को देख चुका था तो कुन तो उक्रिम हो, मैं मौला के एहतराम और इज्जत किया करता था। वह उबज्जिल हो, मैं मौला का ऐसे एहतराम करता था कि हत्ता अहज़रहु इब्रीकन व तस्तन, जब मौला को बिस्तर की जरूरत होती तो बिस्तर लगाता सफर में, जब वुजू के लिए जरूरत होती लिए तशदीद वुजू है मैं तश लेकर आता ताकि मौला तशदीद वुजू फरमा सके, मौला के लिए दस्तरखान लगाता, मौला के लिए खाने का इंतजाम करता, मैं मौला के साथ था। हारून रशीद का आदमी है, लेकिन मौला का एहतराम करते 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 सफर गुजरता गया, बस नतीजा देने के करीब हूं अब मैं। सफर जब कुछ रह गया था, हत्ता इनकता नालुल यमना, इमाम अलैहिस्सलाम ने जो नालैन मुबारक ज़ेबतन फरमाई थी उसमें से जो बाई नालैन थी वो पारा हो गई, जूती फट गई। इमाम ने कहा कि अलकहु फित तारीख, ऐसा कर इस जूती को रास्ते में छोड़ दे, क्योंकि जूती फट चुकी रास्ते में छोड़ दे इसे। उसने कहा फकरह तो अनुल्किया हो फित तारीख, मुझे बुरा और शर्म महसूस हुई मुझे कि मैं मौला की इस नालैन को रास्ते में छोड़ दूं। हत्ता यदुस्सहु अर्जुलन अंजाज, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, मैं नजिस लोगों के कदम मौला की पाक जूती पर आ जाए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे साथ रहेगा अभी और हत्ता यदुस्सहु अर्जुलन अंजाज, मुझे शर्म आई के नजिस लोगों के कदम इस जूती के ऊपर आ जाए। तो मैंने उस जूती को लिया, व लफफ्तुहु बिसौबी, मैंने उसे कपड़े में लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं आपसे नारे हैदरी का मुंतजिर था वैसे इसमें, इस जूती के एहतराम में।
कहता मैंने उस जूती को लिया जो कुछ इनसे मनसूब, आप गौर फरमाइएगा, मैंने जूती को लिया, वह लफफ तो हूँ भी सो भी, मैंने उसे कपड़े में लपेट दिया, वह वजार तो हूँ भी मतारी, और मैंने उसे अपने सामान में रख दिया। जब मैंने सामान में रख दिया हम आगे बढ़ने लगे, फिर जब आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि फिर नमाज का वक्त आया। नमाज का वक्त आया तो मैं मौला के पास पहुंचा कि मैं मौला वजू के लिए पानी। अब जैसे ही मौला ने देखिए सब मनसूबा इलाही होता है, हमेशा वजू करवाता था, लेकिन इस बार यह हुआ कि जैसे ही मौला ने अपनी आस्तीन बिला तशफी अपनी आस्तीन मुबारक को ऊपर किया तो हद फसारा अंजुरा इला हुस्ते साइदई, ये जुमला है कि मैंने मौला के हाथों पर एक नूर निकलता हुआ देखा, ऐसे हसीन हाथ थे कि मैंने नूर निकलता हुआ देखा मौला के हाथों से दस्ते मुबारक से। जैसे ही मैंने उस नूर को देखा मैंने कहा कि मौला ऐसे मैंने हाथ तो किसी के नहीं देखे, क्यों क्यों था ये? अब मैं पहले को यहां सातवें से जोड़ दूं, ऐसे हाथ तो मौला किसी के नहीं देखे, इसलिए कि ये किसी फर्रार इब्ने फर्रार के नहीं, हैदर कर्रार के बेटे के हाथ थे। मौला ऐसे हाथ तो किसी के नहीं देखे। मौला ने अपना हाथ दस्ते मुबारक आगे बढ़ा बिला तश्बीह, जिल्द को लिया, कहा ये जो तू हाथ देख रहा है ना, हाजा जिल्द रसूलिल्लाह, ये रसूल अल्लाह की जिल्द है, वाजा लहम रसूलिल्लाह, अरे रसूल अल्लाह का गोश्त है। जाए तारीख की किताबों में जाकर देखेगा जब खिलकत आलम की बात होती है तो उसमें रिवायत यह है कि अव्वलुमा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया और उस नूर से जो पसीना बहता गया उससे एक एक नबी खल्क होता गया, सरकार खत्मी मर्तबत के पसीने से नबी खल्क होता गया। नबी को क्या कहते हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम या हजरत मूसा? अब मैं कह दूं जुमला दोहरा दूं, अगर मैं कह दूं एहतराम से कह दूं हजरत मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा, सारा आलम इस्लाम कहेगा ये भाई तौहीन नबुवत हो गई। मैं कहूं जिसका पसीना अलैहिस्सलाम हो उसका गोश्त, कहाजा लहम रसूलिल्लाह, ये रसूलल्लाह की जिल्द है और ये रसूलल्लाह का गोश्त है। उसने कहा मौला अगर ये रसूल की जिल्द और रसूल के हाथ हैं तो फिर वो कदम भी रसूल के हैं। मौला ये तो कदम भी रसूल अल्लाह के होंगे। इमाम ने कहा ला शक बिला रैब, का मौला फिर वो जूती जो रसूल अल्लाह के कदम से मस हुई हो, मैंने उसे रास्ते में फेंका नहीं कहीं। इमाम ने कहा मा सनअता बिहाज़ा, उसके साथ क्या किया तूने? का मौला मैंने उसे एहतराम से ले लिया था और इसलिए उसे नहीं फेंका था कि करह तो अन उल्किया हूं, मुझे बुरा लगा कि मैं उसे ऐसे फेंक दूं कि या दुस्तहु अर्जुल अल अंजास, नजिस लोगों के कदम उस पर आते चले जाएं, ये युता हेरकुम तथहीरा के कदमों से मस हुई है, नजिस लोगों के कदम आएंगे तो अच्छा नहीं है, लिहाजा मैंने ले लिया हुआ, लफफ तो हूँ भी सो भी, मैंने उसे कपड़े में लपेट दिया, वजा तो हूँ भी मताई, मैंने उसे अपने सामान में रख दिया। मौलाना ने कहा लव बलग तब हाजा, अगर तेरी मारिफत हमारी जूती के बारे में ये है, चार जुमले में मौजूद था मारिफत इमाम, अभी हदीस है मारिफत नालैन इमाम। अल्लाह कलौ बलग तब हाजा, अगर तेरी मारिफत मेरी नालैन के बारे में ये है, तो चार जुमले कहे मौला ने, फरमाया इजा कुन तफी लैलिन मुजलिम फतलुब मिन हुज़िया وإذا ضللت عن الطريق فاسأل عنه الطريق وإذا كنت ظمآنا فاطلب منه الماء حتى إذا حان لك حاجة جدد الإيمان في قلبك بالله وبنبوة محمد وولاية علي وأبنائه المعصومين فاطلب منه ما شئت।
चार जुमलों का तर्जुमा मजलिस तमाम है। चार जुमले कहे मौला ने कि तेरी मारिफत हमारी नालैन के बारे में अगर ये है तो सुन, पहला जुमला, इज़ा कुंत फी लैलिन मुज़लिम, अगर कहीं सियाह रात में तू गिरफ्तार हो जाए, फतलुब मिनहु ज़िया, तू इससे रोशनी तलब कर लेना, मेरी जूती तुझे रोशनी अता फरमा देगी। जुमला कहना मुझ पर वाजिब है। यहां पर इमाम ने क्या कहा, इससे ज़िया तलब कर लेना। सूरह मुबारका यूनुस में हुवल लज़ी जअला शम्स ज़ियाअन, अल्लाह ने सूरज को ज़िया करार दिया है, जिसकी जूती सूरज के बराबर हो अल्लाह जाने मालिकों का आलम क्या होगा। फरमाया कि इज़ा ज़ललत अन तरीक फसअल अन तरीक, अगर तू रास्ता भटक जाए तो रास्ता ना मिल रहा हो, इससे रास्ता पूछ लेना, ये तुझे रास्ता बता देगी, जिसकी भटी हुई जूती रहनुमा बन जाए। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि इज़ा कुंत ज़मआनन फतलुब मिनहु अल्मा, अगर प्यासा हो इससे पानी तलब कर देना, ये तुझे पानी अता कर देगी। और आखिरी जुमला, लेकिन जुमला कौन है इसमें बंद है, फरमाया ए इब्राहिम, पहले तीन जुमले क्या थे, अगर रास्ता भूल जाए रास्ता बता देगी, प्यासा हो तुझे पानी दे देगी, अंधेरा हो रोशनी दे देगी। फिर कहा ए इब्राहिम, अब मैं तुझे अलग अलग बातें क्या समझाऊं, हत्ता इज़ा हान लका हाजतुन, तुझे कोई भी हाजत हो, जद्दिदिल ईमान फी कल्बिका बिल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, वबे नबुवत मुहम्मदिन, सरकार की नबुवत का इकरार करना, वबे विलायत अलीयन, अली की विलायत का इकरार करना, व अबना अहल मासूमीन, उनके मासूम फरजंदों की इमामत का इकरार करना, फतलुब मिनहु मा शिता, कायनात अव्वलीन और आखरीन में से इस जूती से जो मांगना हो मांग लेना, मेरी जूती तुझे अता फरमा देगी। जिंदाबाद मुर्दाबाद। नहीं कहा छोटी हाजत हो या बड़ी हाजत हो, फतलुब मिनहु मा शिता। अब समझ में आया, जब इब्ने अब्बास ने कहा था मौला खिलाफत कबूल कर लीजिए, अली ने कहा था कि इनकी दीवी खिलाफत की हैसियत अली की निगाह में जूती से ज्यादा हकीर है, इसलिए कि उस जूती का वो मकाम था, इसलिए कि खिलाफत पर हक का कदम भी आया बातिल का कदम भी आया, इस जूती पर सिर्फ हक का कदम आया था। अल्लाह अकबर। बाद एक घंटे से ऊपर हो गई, मदद चाहता हूं, मसाइब पर अभी पहुंचा नहीं हूं। जिसकी नालैन में अल्लाह ने ये बरकत और सलाहियत अता की हो, अगर वो मसाइब पर, क्या जुमला कहूं, लफ्ज पहले कहना चाहता था खामोश रहे, मौला मसाइब पर खामोश नहीं थे, सब्र फरमा रहे थे, सब्र करना, अगर वो मसाइब पर सब्र करे तो खबरदार उसके इख्तियार में शक न करना, जिसकी जूती पानी अता कर दे अगर उसके बच्चे तीन दिन के भूखे प्यासे रहें तो उसके इख्तियार में शक न करना, मौला चाहते तो फुरात को कौसर से मिला सकते थे। हमारे सलाम उस अली पर, देखें अगर किसी के पास कोई इख्तियार ही ना हो, कोई मजबूर हो, उस पर कोई भी जुल्म होता रहे कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन अगर सब कुछ हो मुझे और आपकी खातिर के दीन पहुंच जाए, वो सब्र करे, खुदा की कसम ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। वो जो मौला का दर्द भरा जुमला है कि मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका वो है कि उसके सामने उसकी जौजा को मारा जाए, इख्तियार है, इख्तियार है लेकिन नहीं। सरकार की वसीयत है, ऐ अली इस पर तलवार ना निकालना, सुभान अल्लाह। अली उस अव्वल मजलूम आलम का नाम है, खुद शहीद, अली की जौजा शहीद, अली के भाई जाफर तैयार शहीद, अली के बच्चे शहीद, अली के पोते शहीद, अली की पोती असीर, अली के नवासे शहीद। अब इससे बढ़ के क्या होगा। अल्लाह अकबर। मुझे जिक्र करना है आज,
खास कुछ हस्तियों का जिक्र करना चाहता था, वक्त बहुत महदूद है, वक्त बहुत महदूद है। तीन मुहर्रम उल हराम है, शबे चार आ चुकी है, और देखें अली और फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, नहीं मालूम कितनी मर्तबा इन्होंने अपनी औलादों पर अपनी जिंदगी में क्रिया फरमाया है, क्रिया फरमाया। बार बार हुजूर चूमा करते थे हसन के लबों को, हुसैन के गले को। जब शहजादी फातिमा जहरा ने पूछा था कि बाबा मेरे हुसैन के लबों को नहीं चूमते, हसन के गले को नहीं चूमते, कहा था कि अम्मल हसन फयकूनु मस्मूमन, हसन को जहर दिया जाएगा, और हुसैन के लिए फरमाया उकब्बिलु मौज़िअ सुयूफ, उस जगह को चूमता हूं जहां खंजर चलने वाला है। अल्लाह अकबर। हत्ता वक्त आखिर भी, हत्ता वक्त आखिर भी, जब शहजादी का वक्त आखिर आया था, मैं एक जगह जाना चाहता हूं, अली की औलादों में से एक जगह पे जाना चाहता हूं, अली के नवासों का जिक्र करना है आज मुझे, अली के नवासों का जिक्र, शहजादा ऑन मोहम्मद उनका जिक्र वो इंशाल्लाह कल करूंगा, लेकिन अली के दो और नवासे भी हैं जिन्हें हम तिफलान मुस्लिम के नाम से जानते हैं। ये दो वो मासूम बच्चे हैं, उनका जिक्र मुझे करना है, लेकिन पहले ये बात सुन लीजिएगा। अतः जब वक्त आखिर फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आया था तो शहजादी जैनब को बुलाया और बुलाकर कहा कि संदूकचा था एक, उस संदूकचे को खोला और खोल कर ये कहा कि ऐ बेटी ये मेरा कफन है, और ये कफन वो है जो अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया है, जब तेरा बाबा मुझे गुस्ल दे चुके हैं, अली ने फातिमा जहरा को गुस्ल दिया था, चीख मारते हुए बाहर आए थे, किसी ने पूछा कि मौला शहजादी को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे, का पहलू में कोड़े का निशान अब तक मौजूद था। अब कोई इस जुमले भी बिना रोए तो मैं क्या कह सकता हूं इसके बाद। शायद अली ने तसल्ली दी होगी, कब जब जैनब कुबरा ने जाहिर गिरिया शुरू किया होगा तो अली ने तसल्ली देकर कहा होगा बेटी इतना याद रख मदीना में तेरी मां ने एक कोड़ा खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम कोड़े भर गए। का ये कफन है, ये कफन बहुत खस्ते के महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ आप रहेंगे इंशाल्लाह तो मैं जल्दी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। का ये कफन है, ये कफन जन्नत से आया है, ये कफन मेरे लिए है, ये बाबा को दे देना। दूसरा कफन फिर निकाला, का ये दूसरा कफन है, जब तेरे बड़े भाई हसन मुश्तबा को जहर दिया जाए, कलेजा जहर से फट रहा हो और हसन की शहादत हो जाए तो ये कफन को दे देना। उससे पहले ये कहा कि जब तेरे बाबा अली मुर्तजा को जरबत लगेगी, एक कफन और दिया अली के लिए। अब मामला ये हुआ कि पहला कफन दिया अपने लिए, दूसरा कफन दिया अली के लिए, तीसरा कफन दिया हसन मुश्तबा के लिए। रिवायत में थी कि शहजादी खामोश हो गई, उसके बाद कुछ कहा नहीं। अब ज़ैनब कुबरा का दिल मचल गया, कहा कि अम्मा आपके लिए भी जन्नत से कफन है, बाबा अली के लिए भी जन्नत से कफन है, मेरे बड़े भैया हसन मुश्तबा के लिए भी कफन है, मेरे हुसैन की क्या कथा थी, मेरे हुसैन की क्या कथा थी। शहजादी फातिमा जहरा ने कहा ऐ मेरी लाडली ज़ैनब, तेरे हुसैन का लाशा बेगोर कफन। करबला की अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा आपकी आवाजों को सलामत रखे, कोई गम अता ना फरमाए सिवाय गम हुसैन के, आपकी हाजात को पूरा फरमाए। शहजादी ज़ैनब कुबरा के दो बच्चे भी करबला में शहीद हुए हैं, उनका जिक्र कल करूंगा, लेकिन अली के दो और नवासे भी हैं, और उन दो नवासों से पहले मुझे एक जिक्र और करने दें। मैं असहाब का जिक्र हमेशा किया करता हूं, इस बार मौका नहीं बन पाया, किसी और मकाम पर कर चुका हूं असहाब का जिक्र, लेकिन यहां एक जुमला, छोटे छोटे बच्चों की शहादत है ना, तो करबला में कितने बच्चों की शहादत है, और मोहम्मद की शहादत है, इसके अलावा एक और छोटा बच्चा है, वो किसका बच्चा था, वो मुस्लिम इब्ने औसजा का बच्चा था। मुस्लिम इब्ने औसजा जब अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं ना, मौला मुस्लिम का लाशा खैमे में लेकर आए, जैसे खैमे में लाशा आया, एक छोटा बच्चा जिसकी कमर में तलवार हिमायल थी और इतना छोटा था कि तलवार खत खींचती जा रही थी, वो मैदान की तरफ चला। मौला ने कहा अब्बास जरा उस बच्चे को दौड़ा, अब्बास उस बच्चे को लेकर आए, कहा मेरे बेटे तू कौन है, कहा मेरा बाबा मुस्लिम।
जुमला सुन सकेंगे। एक जुमला इंशाल्लाह माओ बहनों के लिए गुजारिश कर रहा हूं, क्या तेरा बाप शहीद हो चुका है? बगैर वली की इजाजत नहीं है कि तू मैदान जिहाद में जा, कम से कम तेरी मां की इजाजत हो फिर तू मैदान जा सकता है। खैमे का पर्दा उठा, एक बीबी की सदा है का मौला, एक बेवा का हदिया है। मौला मेरा बच्चा फातिमा जहरा के बच्चे पर कुर्बान, आपके अली असगर पर मेरा बच्चा निशान। छोटे छोटे बच्चे, ये अजीब माए हैं। मुस्लिम अकील के भी दोनों बच्चे 9 और 10 बरस के थे। अलग अलग रिवायतें जो मैंने खुद तहकीक के इतमाद से जो मैंने देखा है, 9 और 10 बरस के मोहम्मद और इब्राहिम इन बच्चों का नाम है। मोहम्मद छोटे बच्चे का नाम, इब्राहिम बड़े बच्चे का नाम है। लेकिन तकरीबन एक साल बाद शहादत हुई इनकी। मुस्लिम अकील की शहादत कब है? 9 जिलहज। और इनकी शहादत कब है? 22 जिलहज। लेकिन 22 जिलहज एक साल बाद, एक साल तक इब्ने ज़ियाद के जिंदान में कैद रहे हैं बच्चे। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद के जिंदान में इतना कम पानी और खाना दिया जाता था कि रवायत में मिलता है कि दिन की एक रोटी है, जो दोनों बच्चे छोटे मासूम बच्चे, मामूली सा पानी है जो हयात बाकी रखने के। जिन जिनको अल्लाह ने औलादे अता की हैं, जरा वो तसव्वुर करें, कुछ देर के लिए भूखे होते हैं बच्चे, बाप का दिल तड़प उठता है, माँ का दिल तड़प उठता है। मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम बच्चे। एक दिन छोटे भाई ने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब देखा कि मौला अली मौजूद है, मुस्लिम इब्ने अकील मौजूद है। कहा, ए मुस्लिम, तुम तो हमारी बारगाह में पहुंच चुके हो, तुम्हारे बच्चे अभी तक नहीं आए। मुस्लिम ने कहा कि ए मौला, मेरे बच्चे बस चंद ही दिनों में आपकी खिदमत में पहुंचने वाले हैं। बस ये आले मोहम्मद से ताल्लुक था, बच्चे समझ गए, बच्चे समझ गए। एक बच्चा बेदार होकर रोने लगा, दोनों गले मिलकर रो रहे थे। जिंदान बान ने कहा, तुम गिरिया क्यों करते हो? छोटे बच्चे ने कहा, क्या तुझे मालूम है फातिमा जहरा कौन थी, अली मुर्तजा कौन थे? हम उन्हीं के खानदान से है, देख तू अगर मुझे रिहा कर दे, मैं माँ फातिमा जहरा से तुझे अजर दिलवाऊंगा। उसने जिंदान का दरवाजा खोला, दोनों बच्चे बाहर चलना शुरू हुए। का दिन में सफर, दिन में किसी मकाम पर अपने आप को छिपा लेना, रात में सफर करना ताकि इब्ने ज़ियाद की फौजें गिरफ्तार न कर ले। रात में सफर करते थे, करते करते दिन का वक्त था, एक नहर के मुसैब का मकाम है, नहर के करीब पहुंचे। नहर के करीब दोनों बच्चे छिप कर तशरीफ फरमाते। एक बूढ़ी खातून है मौज़मा, नहर के करीब पानी भरने के लिए आई है। देखती है दो चांद से चेहरे नजर आ रहे हैं, देखा दो बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। दोनों मासूम बच्चों को लिया, अपने घर में लेकर गई, पहले सवाल पूछा, तुम कौन हो? कहा, हम सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम बच्चे हैं। कहा, दोनों को अपने साथ घर में लेकर पहुंची है, दोनों को खाना और पानी अता फरमाया है। बस बच्चों ने मामूली सा पानी पिया है, मामूली से गजा खाई है। जब उस हारिस नाम था, उसका दामाद कुछ रिवायतों में बेटा है, वो जलील बेटा आया है। अब छोटे से घर हुआ करते थे, दिन भर तलाश करता रहा, दो बच्चे उसे अपने घर में नजर आए, समझ गया मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम है। दोनों को रिवायत में मिलता है, दोनों को रस्सियों से मजबूती से बांध दिया उसने। मैं कहता हूं जैसे शहजादी सकीना का गला रस्सी में बंधा रहा था ना, यतीमान ने मुस्लिम इब्ने अकील पूरी रात रस्सी में बंधे रहे। मैं कहूंगा कि ऐ मुस्लिम के यतीम हो, सकीना की सुन्नत मुबारक हो, लेकिन किसी ने तमाचे सुने। ये दोनों बच्चे सारी रात रस्सियों में जकड़े रहे। सुबह का वक्त आया, आखिरी जुमला कह रहा हूं, इन दोनों बच्चों को लिया, बच्चों को लेकर नहर के करीब पहुंचा, गुलाम को हुक्म दिया, इन बच्चों को ज़बह कर दे। गुलाम ने कहा कि मैं अपने हाथ खूने औलाद जहरा से रंगीन नहीं कर सकता। चला गया गुलाम। अब इसने देखे, अभी ईद कुर्बान गुजरी है, अगर आप थोड़ा सा महसूस कर पाए, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जब कोई जानवर ज़बह हो रहा होता है ना, तो बच्चे देख नहीं पाते, बच्चे अपना रुख फेर लेते हैं, बच्चे जुदा हो जाते हैं। लेकिन ये दो मासूम बच्चे हैं जिन्हें खुद दिवाई। इन्होंने कहा, मैं दो रकात नमाज पढ़ने की इजाजत। दो रकात बच्चों ने नमाज पढ़ी, पहले भाई का सर कलम हुआ, दूसरे भाई का सर कलम हुआ। दोनों की लाश को समंदर के नहर के सुपुर्द की आखिरी जुमला में कहूंगा, हत्ता इब्ने ज़ियाद जैसा मलून और शकी भी जब इनके मासूम सरों को देखा, तो कातिल से कहा था, क्या तुझे बच्चों की मां बन रहे?
क्या तू डर रहा है? मैं आखिरी जुमला कहूंगा, आनो मोहम्मद के लाशें उठाने वाले, हुसैन भी थे अब्बास भी थे, इन बच्चों का लाशें उठाने वाला कोई। लिहाजा जब इन बच्चों की माँ कूफा पहुंची, मुस्लिम इब्ने अकील का लाशा नजर आया, कहा ऐ वाली दो बच्चे मैंने आशूर पर कुर्बान कर दिए, दो बच्चे जो आपके साथ है वो कहाँ है? وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي قلب ينقلبون. مولا مسلم بن عقیل کے صدقے میں انشاءاللہ سلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.